नमस्कार, मैं दुजेश उपाध्याय संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संगीत के जो बहुत ही प्रचलित वाद्य है तबला वाद्य, उनके वर्णों के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि उसके कौन कौन से वर्ण हैं और वो किस प्रकार बजाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों को हमको सीखना होता है, वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना वर्ण के हम उस भाषा को, जो उसकी बेसिक्स हैं, उसको नहीं सीख पाएंगे। और यही जो वर्ण होते हैं, इन्हीं से फिर शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का, इसी प्रकार उस भाषा का साहित्य बनता है और पूरा इस प्रकार से हम भाषा को सीख सकते हैं। और जब हम तबले के विषय में जब बात करते हैं तो इसकी भी एक अपनी भाषा है, इसके वर्ण हैं, इसके शब्द हैं जिन्हें बोल कहते हैं, और जो वाक्य और जो पैराग्राफ्स जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे हमारे पास रचनाएं हैं तबले में बहुत सी। तो जैसा कि हमने भाषा के बारे में कहा, तो तबले की भाषा को सीखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम तबले के वर्णों को भी हम सीखें कि तबले के वर्ण क्या हैं जिनसे बोल बनते हैं और बोल के आधार पर हम कुछ रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो आज हम सीखेंगे तबला वाद्य के वर्ण। जिस प्रकार हमने पहले अपने एक लेक्चर में, व्याख्यान में बताया कि तबला वाद्य दो भागों से मिलकर बना है, तो जिसको हम यहाँ दायां या तबला कहते हैं, इसको बायां, जो बाएं हाथ को होता है उसको बायां या डग्गा जिसको कहा जाता है। तो जो वर्ण होते हैं तबले के, कुल 10 वर्ण माने गए हैं। तो उनमें जो वर्ण होते हैं वे कुछ दाएं तबले से निकलते हैं, उनकी निकासी होती है, कुछ की क्या होती है कि जो बायां तबला है उनसे निकासी होती है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि दोनों को जब हम संयुक्त रूप से बजाएंगे तो वो उनकी निकासी होगी। तो इस प्रकार से कि जैसे हम ये बता रहे हैं कि तबले में दाएं से कुछ जो जितने वर्ण निकलते हैं उनकी संख्या है 6, दाएं तबले से 6 वर्ण निकलते हैं, और जो बायां है, बाएं तबले से हमारे 2 वर्ण निकलते हैं, और जो 2 वर्ण हैं शेष, वो दोनों को संयुक्त रूप से जब हम बजाते हैं दाएं बाएं को, तो वो तब निकलते हैं। और इन्हीं 10 वर्णों के आधार पर इसके बोल बनते हैं, तबले के बोल बनते हैं, बोलों से रचनाएं बनती हैं, और इस तरीके से जो पूरी एक भाषा है हमारे तबले की, उसका निर्माण होता है। अब हम सीखेंगे कि जो दायां है, दायां तबला जिसको हम जो तबला कहते हैं, उस पे कौन कौन से हमारे वर्ण निकलते हैं और उनकी निकासी कैसी होती है। जैसे हमने बताया कि 6, कहीं कहीं कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि 5 वर्ण हैं, लेकिन कहीं कुछ बताते हैं कहीं कुछ बताते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये लेने का प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ण हमारे आते हैं, जो यूज़ होते हैं, हमने 6 के 6 उठा दिए हैं। तो सबसे पहले जो हम बेसिक्स भी, जो भी हमारे तबले के विद्यार्थी हैं, जो बिगनर्स हैं, जो सीखते हैं, तो जब हम उनको सिखाते हैं तो सबसे पहले हाथ रखना, जब सिखाते हैं तो उसके साथ हाथ रखने के बाद जो हम पहला जो चीज़ सिखाते हैं वो है ये ता, या इसको ना कहते हैं। ये बसता है ऐसे, देखिए कि आपके फिंगर्स की जो पोजिशनिंग होगी वो ऐसी होगी, और ये आपकी जो यानी फर्स्ट फिंगर है, इससे आप इसको क्या करेंगे, ये जो हमने बताया था कि किनार वाला हिस्सा, इस पे यहाँ पे स्ट्रोक किया जाता है, तो इसको या ता कहते हैं या ना कहते हैं। ये देखिए, अब कुछ घरानों के हिसाब से, जैसे हमने पहली बात करी कि जो दिल्ली घराना है उसे किनार का बाज कहा जाता है, तो वो ज़्यादातर जो आप देखेंगे दिल्ली अजराड़ा, बहुत से ऐसे जो हमारे घराने हैं उनमें ये बहुत ही किनारे पे लेके बजाया जाता है, ता या ना। और जब हम लखनऊ और इससे संबंधित जो घराने हैं हमारे, जो लखनऊ से निकले हुए हैं, उनमें जब बात करेंगे तो मेनली लखनऊ में जो आप देखने को मिलेगा, आपको वो सुर का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, जो यहाँ पे हमारा लव वाला एरिया है, इस पे तो ये आपका है ता या ना। जो दूसरा वर्ण आता है वो है ती या ती, तिन या ती जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या बसता है, जो शाही और लव का एरिया है इधर पे, इस पे यहाँ पे स्ट्रोक करने से बसता है।
और कभी कभी जब हम तीना केना जैसे बजाते हैं, बोल आपने कभी सुना होगा, तो हम उसको यहाँ भी बजाते हैं। तो ये इधर शाही और लफ के कॉम्बिनेशन से इधर यहाँ पे इस वाले एरिया पे और यहाँ पर भी ये कभी कभी बजाया जाता है। तो दूसरा वर्ण हमारा है तिन या ती, जैसे हम तिन्ना होता है या तीना कहते हैं, तो वो इस तरीके से बजाया जाता है। जो तीसरा हमारा वर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी, इसको हम दिन या ठुंग कहते हैं। तो ये बजता है, पूरी उंगलियों को हम इस प्रकार से लेते हैं और यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक करके, दिन या ठुंग के रूप में हम इसको यूज करते हैं। जैसे एक बोल है, अभी आपको बोल भी बताऊंगा मैं, अभी चलते चलते भी बता देता हूँ कि जैसे गदी गेना बजता है तो ये उसमें ये प्रयोग होता है। और जो चौथा वर्ण आया हमारा वो है ते। ये दो उंगलियों से या एक उंगली से ये बजता है, ये या ये। और जो पांचवा है वो ट या रे, टे या रे भी कहते हैं इसको, ये। तो ये अभी हम सिंगल सिंगल जो हम वर्ण बता रहे हैं ये इस तरीके से आया। एक ना, जैसे पहले हमने ता या जो ना बताया है तो इसमें आ की मात्रक है, लेकिन एक न साउंड भी आता है, जैसे आपने सुना होगा गदी गन, तो उसमें कभी कभी जब हम बजाते हैं तो गदी गन न साउंड यहां से भी निकालते हैं। तो वो एक, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये न साउंड भी यहां से इस तरीके से बजा के निकालते हैं, ये इस तरीके से भी ये एक वर्ण के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन बहुत से विद्वान इसको नहीं भी मानते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि दाएं तबले पर बजने वाले हमारे वर्ण। अब जो है हमारा अगला जो है, जो दो वर्ण बजते हैं वो बजते हैं बाएं डग्गे पे। अब डग्गे पे कैसे, क्या कौन जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं, ग या घ। ये साउंड सुनिएगा आप, या तो आप सिंगल उंगली से बजाते हैं या आप डबल उंगली से बजाते हैं। तो सातवां हमारा कौन सा आया, ग या घ। और जो हमारा आठवां वर्ण है जो इसी बाएं पर बसता है वह होता है क, या कत भी कहते हैं, के की, बस जिस हिसाब से बोल बनेंगे उस हिसाब से, लेकिन इसका जो निकासी होती है वो पूरे उंगलियों को मिलाते हुए आप इस पे स्ट्रोक करते हैं पूरा इस तरीके से। तो ये पूरी साउंड क कहें या कत कहते हैं, के कहते हैं, की कहते हैं, ये आती है। और इसके बाद जो हमारे संयुक्त रूप से बसते हैं, जो आखिरी के हमारे दो वर्ण हैं वो संयुक्त रूप से बसते हैं। वो संयुक्त रूप से कैसे बसते हैं, जैसे हमने आपको दाएं में बताया ये आपका ता या ना है, इसमें भी हल्का डिफरेंस होता है, वो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे हमने ता बजाया है और यहाँ जो हमने गे या घे बजाया है, इन दोनों को जब संयुक्त रूप से हम बजाएंगे तो वो धा कहलाता है। एक बात विशेष आप विद्यार्थियों को समझनी है कि जो ये फिंगरिंग है हमारी, इसको आपको मूवमेंट के हिसाब से आप इसको ये स्ट्रोक भी कर सकते हैं या आप इसको धा भी बजाते हैं। लेकिन जैसे हम तीन ताल आपने सुना होगा, जब हम उसमें बजाते हैं तो फिर धा धिन धिन धा धा, तो ये मूवमेंट ये सिर्फ होता है कि एक बार ये वाली उंगली से एक बार ये वाली उंगली से इस तरीके से बजाया जाता है। लेकिन जब ग बजाया जाता है विशेष रूप से, या किसी में ग की साउंड हमें देनी है, घ की साउंड हमें विशेष रूप से देनी है, तो उसके लिए हमारा ये थोड़ा सा वेटेड होता है, दो उंगलियों से बजाया जाता है। और कहीं कहीं पे तो आप जब थोड़ा सा आपकी हाथों में थोड़ा सा वो आ जाए कि आपका हाथ अच्छे से चलने लग जाए, तो आप इससे भी आप इसको वेट भी आ जाए आपकी उंगलियों में, तो आप इसको भी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ग वाली जो साउंड होती है इससे निकाली जाती है, लेकिन जब हम धा बजाते हैं तो धा धिन धिन धा, ये सिर्फ फिंगरिंग में दोनों में बराबर वो चलती रहें, रुके नहीं और एक ही फिंगर पे ज्यादा लोड ना आए, तो इसलिए दोनों फिंगर्स चलाते हैं। लेकिन जब गे ग या घ की साउंड अगर आपको करनी है, उसके लिए विशेष रूप से आपको इस फिंगर्स का प्रयोग किया जाता है। एक हमारा ये हो गया धा। और जो आखिरी हमारा वर्ण है वो है आपका धिन या धी। जो हमने कहा आपको तिन या ती हमने बताया था कि वो इस तरीके से ऐसे बजता है, तो उसके साथ हम ग की साउंड को जब हम मिला देंगे संयुक्त रूप से वो बजेगा, तो वो धिन या धी साउंड करता है। जैसे सुनिए, तो
इतने हमारे वर्ण आए। अब इस हिसाब से अगर आपने सुनी होगी, तीन ताल जब बजती है तो वो कैसे बजती है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो इसमें ता या ना आपने साउंड सुनी, आपने ग की साउंड सुनी, आपने धा और धिन की साउंड सुनी। इस हिसाब से हमारे कुछ वर्ण इसमें कंप्लीट हो गए। कि ये आपको मैंने एक उदाहरण के रूप में बता दिया कि जैसे धा धिन धिंधा जब हमने बजाया कि इससे हमारी एक ताल जो बजती है वो इस तरीके से आ गई। आपने एक ताल सुनी होगी जिसको हम एक ताल कहते हैं, जिसमें हम धिन धिन धागे। अब देखिए जैसे आपको धागे, तो जब आप धागे बजा रहे हैं तो गे इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, कि आपको धा आप इससे करिए, ये भी ग के ही साउंड करेगा और आपने इसके कॉम्बिनेशन में धा गे, या आप दो उंगली से बजा लीजिए या आप एक उंगली से बजा लीजिए, तो धा गे। अब हमने बजाया एक अगला बोला, आपने सुना होगा तिरकिट, तो जो हमने बताया तिरकिट, तो देखिए इसमें भी हमारे कुछ वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिसमें हमने क्या बताया था ते र। अब जब हम तिरकिट बजाएंगे तो यहाँ पे यही साउंड आपकी ट भी साउंड करती है, तिरकिट में रे की साउंड, तिरकिट, और ये क साउंड है। अब हम की भी कह सकते हैं, क भी कह सकते हैं, के भी कह सकते हैं, तिरकिट। अब यहां पर भी जब ये वर्ण तिरकिट बसता है, इससे एक वर्णों से जो बोल बसता है हमारा, उसमें भी क्या होता है कि एक तो हमारा सीधा बसता है तिरकिट, और एक जो लखनऊ घराने में विशेष रूप से देखा जाता है उल्टा तिट बसता है, वो टेटे बसता है, टेटे। तो वहां पर भी वर्णों में कि हमने टेटे ही बजाया, और हमने यहां पे टेट का प्रयोग, टेक जो हम बजा रहे हैं वर्ण, वो इसकी तरह से प्रयोग करें कि हमने ते और ट इससे बजाया, जबकि हम जब सीधा बजा रहे हैं तो टेटे हम इसका प्रयोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो फिंगरिंग हमारी बदल रही है, लेकिन जो वर्ण की जो हमारी जो साउंड है, जो ध्वनि हमको सुनाई दे रही है, वो वैसी ही होनी चाहिए। और वर्ण की निकासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी अच्छे गुरु से सीखें, जहाँ पे आप की जो बारीकियाँ हैं, जो तबला वाद्य की बारीकियाँ हैं, जो वर्ण की बारीकियाँ हैं, उसकी निकासी की बारीकियाँ हैं, कि जो आप बजा रहे हैं वैसे ही साउंड आपको आए। तो अच्छे गुरु से जब आप सीखते हैं तो आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, और आपकी जो हाथ की रखने का तरीका होता है, वर्णों को बजाने का तरीका होता है, उसकी निकासी होती है, बिल्कुल सही बजती है। तो आगे आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी हमारे तबले के विद्यार्थी हैं जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे ही और वीडियोज़ और व्याख्यान के रूप में हम लोग आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नमस्कार।